होम क्वारंटाइन में भेज रहे हैं, उनको घरों पर भी उनका हम सर्वेक्षण करवा रहे हैं। हमारी आशा वर्कर्स इस काम में लगातार लगी हुई हैं। अभी तक 5,36,223 प्रवासी कामगारों का आशा वर्कर्स के द्वारा सर्वेक्षण किया जा चुका है और उसमें से 629 लोग लक्षण वाले पाए गए। इन सबों के सैंपल लेकर के उनकी जांच करवाई जा रही है। इस समय संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि जो प्रवासी कामगार होम क्वारंटाइन में भेजे जा रहे हैं वो अपने घर में ही रहें और जो ग्राम निगरानी समिति अथवा मोहल्ला निगरानी समिति बनाई गई है उसका ये बहुत बड़ा दायित्व तो है कि वो इस बात को सुनिश्चित करें कि जिन लोगों को भी होम क्वारंटाइन में भेजा गया है, जिनके घर पर फ्लायर लगाया गया है जिसमें तिथि भी लिखी हुई है कि कब तक उनको होम क्वारंटाइन में रहना है, तब तक वो घर में ही रहें यह सुनिश्चित करें। और घर में भी जब वो प्रवासी कामगार हैं या जिनको भी होम क्वारंटाइन रखा गया है, उनसे मेरा ये आग्रह है कि अपने घर में भी आप घर के अन्य सदस्यों से दूर रहें, दूरी बरतें, न तो बुजुर्गों के पास जाएं, न जो पहले से कोई बीमार व्यक्ति है उनके पास जाएं, न गर्भवती महिलाओं के पास जाएं, न बच्चों के पास जाएं। ये सभी जो हैं ये ज़्यादा रिस्क में होते हैं, तो इनसे हमें दूर रहना है, इनको हमें बचाना है। और ये आपके माध्यम से एक बार फिर से अनुरोध कर दूं कि इसमें इस समय इसके न तो कोई वैक्सीन है और न ही कोई इसकी कोई दवा है, इसलिए सतर्क रह के बचाव करना ही सबसे बड़ा सबसे अच्छा साधन है। उसके लिए साबुन पानी से बार बार हाथ धोना, अपने मुंह और नाक को ढककर रखना, मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से, और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, 2 गज की दूरी। जब भी हम कहीं जाएं सार्वजनिक स्थल पर या अपने घर में भी, हम लोगों से 2 गज की दूरी मेंटेन रखें ताकि हमें संक्रमण न जाए और अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते रहिए। अगर आप सतर्क रह के अपना बचाव करेंगे तो अवश्य ही आपको संक्रमण नहीं होगा और समाज को भी आप सुरक्षित रखेंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से कि वो आगे की बातें बताएं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जैसा आपको मालूम है, सुबह सिडबी के कार्यक्रम में विशेष रूप से आज भाग लिया और उत्तर प्रदेश के लिए सिडबी के सहयोग से जो योजनाएं थी उनको लॉन्च करके प्रदेश को एक नई सौगात उन्होंने दी। सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए है, लखनऊ इसका जो है बड़ा सा कार्यालय है और सिडबी के माध्यम से जो सहयोग मिला है ये भी एक नया मील का पत्थर है, जहां अलग अलग सेक्टर्स में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पैकेज है उसके अंतर्गत विशेष रूप से हमारे प्रदेश के लोगों को, हमारे प्रदेश के उद्यमियों को लाभ दिया गया है। आज टीम 11 की बैठक में मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से कामगारों का, जो श्रमिक हैं जो आ रहे हैं बाहर से, उनकी समीक्षा की। आपको जानकर खुशी होगी कि आज तक कुल मिलाकर 838 श्रमिक ट्रेनें जो हैं या तो प्रदेश में आ गई हैं या आज शाम तक आ जाएंगी, और इसके अलावा 206 ट्रेनें ऐसी हैं जिनकी अनुमति दे दी गई है और कल परसों में ये आ जाएंगी अगले 48 घंटों में, यानी 1044 ट्रेनों की व्यवस्था आज तक हमारे श्रमिकों के लिए, हमारे कामगारों के लिए विभिन्न प्रदेशों से हुई है। ये एक रिकॉर्ड स्थापित हो गया है, पूरे देश में 1000 ट्रेन लेने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश हुआ है। ये भी हम आपको बता दें कि कल लगभग 200 से अधिक ट्रेनें रेलवेज ने, रेल विभाग ने चलाई हैं प्रदेश भर में, और कल ही लगभग 100 ट्रेनें उत्तर प्रदेश ने चलाई है, तो एक नया रिकॉर्ड 100 ट्रेनों का लगभग स्थापित करते हुए आधी ट्रेनें जो पूरे देश में चल रही हैं
वो उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के श्रमिकों के लिए चल रही हैं। मुख्यमंत्री जी का जो कमिटमेंट है, उन्होंने रेल मंत्रालय के लिए हम लोगों को आदेश दिया है कि जो भी संभव सहयोग है रेल मंत्रालय के अधिकारियों के साथ, हमने आज सुबह ही चेयरमैन रेलवे बोर्ड से उनसे अनुरोध किया, उनका सहयोग लिया, यहाँ के DRM साहब और सभी DRMs जो पूरे प्रदेश में अन्य अन्य स्थानों पर हैं, सबका सहयोग लिया और रेल विभाग के साथ एक तरह से कह लीजिए जो एक स्मूथ कोऑर्डिनेशन जो है वो इंश्योर करके 100 ट्रेन का जो है लक्ष्य आज का पूरा किया है। ये एक रिकॉर्ड पूरे देश के लिए है। आज तक 1044 ट्रेनें हमारे प्रदेश में आ गई हैं, आ रही हैं, ये भी एक रिकॉर्ड है। तो दोनों रिकॉर्ड को पूरा किया है। अंततोगत्वा मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि जितनी जल्दी हो सके हमारे जो श्रमिक और कामगार अन्य प्रदेशों में हैं उनको निःशुल्क जो है अन्य प्रदेशों से यहाँ लाया जाए। हमारे प्रदेश में लगभग 12,000 से अधिक रोडवेज की बसें चल रही हैं, अनुबंधित बसें चल रही हैं।